डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, आई एम स्टार्टिंग योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, अडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ योर EVS बुक। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? अडेप्टेशन का मीनिंग होता है कि कोई भी एनिमल हो, ठीक है, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, अपने हिसाब से उसको ढाल लेता है अपनी बॉडी को, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। ऐसे प्लांट्स भी जिस जगह पे ग्रो करते हैं वो उस हिसाब से जो है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ही उनकी अडेप्टेशन होती है, मतलब उनकी जो फीचर्स होते हैं, बॉडी फीचर्स होते हैं, दे ऑल्सो गेट डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो उस हिसाब से एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे उन्होंने अपने आप को ढाल रखा है, अडेप्ट कर रखा है। लाइव प्लांट्स एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे आर फाउंड इन द डीपेस्ट ओशन एज वेल एज ऑन द हाइएस्ट माउंटेन्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेजर्ट्स एंड द कोल्ड प्लेसेस। तो ये अब आपका जो चैप्टर है वो है अडेप्टेशन इन एनिमल्स, कि अलग अलग जगह पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो कैसे अडेप्टेड है। जैसे इसमें क्या बताया हो कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट कहीं भी ग्रो हो जाता है, आप तो ये बोलोगे ना, लेकिन एनिमल कैसे? एनिमल तो चल के ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जब एक जगह पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, बर्थ देंगे, नए एनिमल्स वहीं पर ही रहेंगे उनके, तो इस तरह से उनकी जो उनकी जो फैमिली हो गई, जिसे हम स्पीशीज़ बोल सकते हैं, आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहने की आदी हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे जिसे बोलते हैं। तो एनिमल्स की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है। ये आपको डीपेस्ट ओशन, मतलब जो सबसे गहरा ओशन है, डीपेस्ट ओशन है, उसकी बात करें, या फिर जो सबसे बड़ी माउंटेन है उसकी बात करें, हर जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दे कैन बी फाउंड इन डेजर्ट, दे कैन बी फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस। तो ये डेजर्ट में जहाँ पर बिल्कुल पानी वगैरह की कमी होती है, या कोल्ड प्लेसेस जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, तो दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। द सराउंडिंग और द एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल और ए प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो जिस सराउंडिंग या जिस एनवायरनमेंट के अंदर कोई एनिमल या प्लांट रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसका हैबिटेट, उसका घर। तो प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। अब वो प्लांट्स और एनिमल जो अलग अलग सराउंडिंग में रह रहे हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो उनके बॉडी फीचर उसी हिसाब से अडेप्टेड हैं ताकि वो उस सराउंडिंग में कंफर्टेबली रह सकें, ठीक है। एक एनिमल को जो कोल्ड रीजन में रह रहा है, अगर उसको होट में ले आओगे या होट वाले को कोल्ड में ले जाओगे, तो वो क्या सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी फीचर उस हिसाब से डेवलप्ड है, अडेप्टेड है वो, ठीक है। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स डिफरेंट वे में अडेप्टेड है। द अर्थ हैज सेवरल हैबिटेट्स। अब इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे टाइप के हैबिटेट्स हैं, जैसे कई तो कोल्ड माउंटेन्स हैं, ओपन ग्रासलैंड्स हैं, रेन फॉरेस्ट, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स, रिवर्स। द लिविंग कंडीशंस इन दीज हैबिटेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एनिमल अडेप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। अब कई तो ऐसे हैं जो बताया भी कि जैसे हाई माउंटेन्स पे जाओगे, जितने ज़्यादा माउंटेन, जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी वो उतनी ज़्यादा कोल्ड होगी, ठीक है। और ओपन ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड जो बिल्कुल ही जैसे ग्रास ग्रोन है और ओपन है, बिल्कुल बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं। रेन फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स, ठीक है, डेजर्ट्स जहाँ पर हॉटनेस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है और बारिश नहीं है, ड्राई है एकदम। रिवर्स, सॉल्टी ओशंस। तो अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स हैं इस अर्थ के ऊपर। अब अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली, उनकी लिविंग कंडीशंस जो हैं वो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनकी जो लिविंग कंडीशंस है, एक जो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में रह रहा है उन्हें पानी मिल नहीं रहा, एक जो रेन फॉरेस्ट में रह रहा है जरूर से ज़्यादा पानी है, बारिश हर वक्त होती है, तो
ऑटोमेटिकली वो उस हिसाब से अडेप्टेड होते हैं. एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, और वो अपने हैबिटेट में ही रहने के आदि हो जाते हैं. दे आर अडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट. अडेप्टेशन फॉर हैबिटेट. अब देखो, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइव ग्रुप्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. अब अगर अलग अलग हैबिटेट है तो उसमें रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं, तो उस बेसिस पे हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट वेयर दे लिव, वेयर दे आर अडेप्टेड टू. पहला है टेरिस्ट्रियल एनिमल, दूसरा एक्वेटिक, फिर एम्फीबियंस, एर्बोरियल एंड लास्ट एरियल. तो अब इनको हम वन बाय वन रीड करेंगे कि कौन से एनिमल जो हैं वो कहाँ पर रहने के अडेप्टेड है और कैसे. पहला है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. फॉर एग्जांपल बियर, एलिफेंट, लॉयन, काउ एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो लैंड पे रहते हैं और लैंड पे रहने के अडेप्टेड. What are the main features of terrestrial animals? अब ये जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनके क्या फीचर्स हैं जिनकी वजह से वो लैंड पे रहने के अडेप्टेड हैं. फर्स्ट, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. उनके अंदर ब्रीथिंग ऑर्गन जो है वो लंग्स है. हमारी तरह हम भी तो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं ना, ठीक है. हम अगर अपने आप को बोलें तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम एनिमल की कैटेगरी में आते हैं. हम कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं. तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? लंग्स है फॉर द ब्रीथिंग. तो इस तरह से जितने भी लैंड एनिमल्स हैं दे हैव लंग्स फॉर देयर ब्रीथिंग. सम ऑफ देम हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे. अब उनमें से कुछ की बात करें, लैंड एनिमल्स की बात करें, तो कुछ के पास शार्प टीथ हैं और क्लॉज हैं ताकि वो प्रे को फटाफट पकड़ सकें, अपने शिकार को कैच कर सकें, ठीक है. मोस्ट ऑफ देम हैव लेग्स विच हेल्प देम टू रन फास्ट टू कैच देयर प्रे एंड टू प्रोटेक्ट themselves. अब सबके पास लेग्स हैं, टांगे हैं ताकि भाग सकें, टू रन फास्ट ताकि अपने प्रे को, अपने शिकार को कैच कर सके, पकड़ सके, एंड टू प्रोटेक्ट themselves और अपने आप को भी. अगर हमारे हमारे ऊपर कोई अटैक करने के लिए आ रहा है तो हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें. तो एनिमल्स जो हैं वो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लैंड पे रहने वाले, तो किसको क्या ज़रूरत है, किस पर्पज़ से वो अपने लेग्स को यूज़ कर रहा है. वो अपने प्रे को पकड़ने के लिए भी लेग्स का यूज़ कर सकता है टू रन फास्ट, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपके पीछे कोई आ रहा है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकता है. दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प देम टू सर्च फूड एंड एस्केप फ्रॉम द एनिमीज. आप जितने भी लैंड एनिमल्स हैं उन सब के अंदर सेंस ऑर्गन वेल डेवलप है. सेंस ऑर्गन जैसे आपको पता है आईज, नोज, ईयर, ठीक है, दीज आर योर सेंस ऑर्गन, स्किन, टंग, तो ये आपके सेंस ऑर्गन है जिससे आप पता लगा लेते हो, ठीक है, खाने का सर्च कर लेते हो. और अगर एनिमी से बचना है तो सेंस ऑर्गन डेवलप है, तो कई एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी जो नोज़ है वो भी डिटेक्ट कर लेती है, या ईयर है तो आवाज़ से डिटेक्शन हो जाती है कि कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, कोई एनिमी तो नहीं है, तो इस तरह से वो अपना बचाव करते हैं. द सेंस ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड. इन पोलर रीजन द एनिमल्स हैव टू फेस हार्श विंटर. पोलर बियर हैज़ थिक फर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. पेंगुइन्स हडल अप टुगेदर टू कीप देम वार्म. अब जो हमारे एनिमल्स जो है वो पोलर रीजन में रह रहे हैं, रह तो लैंड पे ही रहे हैं लेकिन पोलर रीजन है, ठंड में, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिरती है, हार्श विंटर है, तो वहाँ के एनिमल्स अपना बचाव कैसे करते हैं? वो नेचुरली उनकी बॉडी के ऊपर फर होती है, ठीक है, बॉडी जो होती है वो फर से कवर्ड है जिससे वो कोल्ड से प्रोटेक्टेड रहते हैं, बचे रहते हैं, ठीक है. दे हैव ए थिक फर ऑन देयर बॉडी लाइक पोलर बियर. और पेंगुइन जो हैं, पेंगुइन्स जो हैं वो हडल अप करते रहते हैं, ठीक है, दे हडल अप टू कीप देम वार्म. अपने पाँव वगैरह को रेगुलरली हिला के वो अपनी बॉडी को वार्म अप करते रहती हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे. तो देखो अपनी बॉडी को किस तरह से वो खुद ही अडेप्ट करते हैं ताकि ठंड से बचे रहें.
डेजर्ट्स हैव कोल्ड नाइट्स एंड हॉट डेज। डेजर्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि इनकी जो नाइट्स होती हैं वो कोल्ड होती है, जबकि डेज बहुत ज़्यादा हॉट होती है, क्योंकि हर जगह सैंड ही सैंड है। ठीक है, सैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म होती है डे टाइम में जब सन निकलता है, और रात को वो उतनी जल्दी हीट को लूज कर जाती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो अब इस टाइप के एनवायरनमेंट में, इस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन में जो एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव करते हैं उनमें एक है आपका कैमल। ठीक है, एनिमल्स अडेप्ट ऑफ दिस कंडीशन एंड लिव विद देयर लिटल वाटर। अब जो एनिमल्स इस कंडीशन में रहने के आदि होते हैं वो बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, लाइक कैमल। कैमल की जो है वो थिक स्किन है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता, समर में पानी जो होता है वो उनकी बॉडी से बाहर नहीं जाता, स्वेटिंग नहीं होती इनको थिक स्किन होने की वजह से, और ठंड में थिक स्किन होने की वजह से ठंड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह से थिक स्किन की वजह से गर्मी में भी वाटर लॉस ना हुआ और ठंड में भी ठंड से बचे रहे। और इनका जो हम्प है, जो देखो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, डायग्राम में क्लियर आपको हम्प दिख जाएगा। ठीक है, जो इसका हम्प है ऊपर उठा हुआ पार्ट है, उसमें इनका फूड और वाटर स्टोर अप रहता है। ठीक है, द फूड एंड वाटर फैट जो होता है इट इज़ स्टोर्ड इन इट्स हम्प। When devoid of food and water, it lives on this fat and thus can survive without food and water for many days. जब इनके पास खाना नहीं होता, पानी नहीं होता, devoid of मतलब कमी होना, ना होना। ठीक है, तो जो इस हम्प के अंदर स्टोर्ड फैट है ये उसको यूज अप करते हैं और बिना खाए पिए कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, फॉर मैनी डेज दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर। तो ये इनकी हम के अंदर जो फैट स्टोर्ड अप है दैट कैन बी यूज्ड। तो कैमल जो है उसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट इसीलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि वो वहाँ पर रहने का आदि है। ठीक है ना, थिक स्किन है, कोल्ड और विंटर दोनों, कोल्ड और हीट दोनों से प्रोटेक्टेड है, वाटर लॉस होता नहीं है, और हम के अंदर फैट स्टोर्ड अप है जिसकी वजह से अगर बहुत दिन तक खाना पानी ना मिले तो सर्वाइव करते। एनिमल्स लाइक स्नेक एंड लिजर्ड हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, दे कैन नॉट बियर कोल्ड। ड्यूरिंग समर दे ईट एज मच एज दे कैन एंड गेट फैट। ड्यूरिंग विंटर दे स्लीप इन अंडरग्राउंड होल्स एंड सर्वाइव ऑन स्टोर्ड फैट। द विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। देखो जो एनिमल्स लाइक स्नेक्स और बर्ड्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो है ये विंटर को, कोल्ड को बियर, दे कैन नॉट बियर कोल्ड, कोल्ड को बियर करने वाले नहीं होते, ठंड इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, समर में क्या करते हैं, जितना खा सकते हैं उतना ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, दे ईट एज मच एज दे कैन एंड कैट गेट फैट, और अपनी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर अप कर लेते हैं। जब विंटर आती है तो ये जो धरती के अंदर होल्स बना लेते हैं अपने मिट्टी के अंदर, और उन होल्स के अंदर ये चले जाते हैं। ठीक है, और जो भी इनका स्टोर्ड फैट होता है, ठीक है, जो भी इनका स्टोर्ड फैट होता है ये उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं। और विंटर स्लीप, क्योंकि विंटर में ये पूरी विंटर स्लीप, लॉन्ग विंटर स्लीप होती है इनकी, पूरी सर्दियाँ ये स्लीप लेते हैं और स्टोर्ड फैट में ही गुजारा करते हैं, क्योंकि ठंड में ये बाहर नहीं निकलते, दे कैन नॉट बियर कोल्ड। ठीक है, तो समर में जितना खा लिया खा लिया, फैट इकट्ठा हो गया बॉडी के अंदर, फिर विंटर में अपना अंडरग्राउंड होल्स में चले गए और स्टोर्ड फैट से इन्होंने गुजारा कर लिया। इनकी बॉडी जो होती है वो सर्वाइव करती है विद द स्टोर्ड फैट, और इस विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन, लॉन्ग स्लीप को बोलते हैं, पूरी विंटर ये सोते रहते हैं, दिस इज़ नोन एज हाइबरनेशन। तो आज का लेक्चर बेटा आपका यहीं तक है, यू हैव टू वेल प्रिपेयर इट विद रिटन प्रैक्टिस एंड मेक्स नोट, एंड इफ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।